दरअसल उज्जैन जिले के नागदा में बार बालाओं का डांस करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हिंदुवादी संगठनों का आरोप है कि 31 दिसंबर की रात को राजीव नगर के शासकीय उर्दू माध्यमिक स्कूल में मंच बनाकर बार बालाओं का डांस करवाया गया था। इसमें जहां एक और छोटे बच्चे भी शामिल हुए थे, वहीं वीडियो वायरल होते ही हिंदुवादी संगठनों के विरोध के बाद स्कूल की ओर से नागदा थाने को जाँच के लिए आवेदन दिया गया। बार बालाओं के डांस का वायरल वीडियो 31 दिसंबर का बताया जा रहा है। वीडियो में आधा दर्जन से अधिक बार बालाएं खुले मंच पर डांस करती हुई नजर आ रही है। इस घटना को लेकर जब हिंदुवादी संगठनों ने मोर्चा खोला, तब स्कूल के जिम्मेदारों की नींद खुली। घटना के 12 दिन बाद 12 जनवरी को शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की ओर से एक शिकायती पत्र पुलिस को दिया गया, जिसमें लिखा गया कि स्कूल परिसर में अनाधिकृत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसकी सूचना बच्चों की ओर से दी गई। इधर शिकायत पुलिस के पास पहुंची तो नागदा थाना प्रभारी श्याम चंद्र शर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि अज्ञात के खिलाफ कार्रवाई करने की शिकायत मिली है। वहीं हिंदू जागरण मंच के प्रांत संयोजक भैरूलाल टाक ने बताया कि 31 दिसंबर की रात को राजीव नगर क्षेत्र से ये सूचना मिली थी कि क्षेत्र के उर्दू स्कूल में कोई आयोजन हो रहा है, जिसमें तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा है। इसकी शिकायत हमने नागदा थाना पुलिस को की थी। भैरूलाल टाक ने बताया, उस समय हमें भी ये जानकारी नहीं थी कि बच्चों की शिक्षा स्थली पर इस तरह बार बालाएं डांस कर रही है। जब इस आयोजन का वीडियो वायरल हुआ तो हमने तत्काल शासकीय उर्दू स्कूल परिसर में बार बालाओं के डांस कराने वाले असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करने के लिए प्रदर्शन किया था। साथ ही यह भी कहा था कि यदि प्रशासन ने अब भी इस बात को गंभीरता से नहीं लिया तो शहर में पुराना इतिहास दोहराया जाएगा। यहां हुई इस घटना की वीडियो वायरल में आधा दर्जन युवतियां डांस करती हुई नजर आ रही है। हैरानी की बात यह है, उनका डांस देखने के लिए बड़ी संख्या में बच्चे भी शामिल थे, लेकिन अब तक ये पता नहीं चल पाया कि स्कूली बच्चे थे या कोई और। वीडियो में बच्चों के सामने ही कुछ युवा युवतियों पर नोटों की बारिश कर रहे थे। इसके लिए बकायदा एक बड़ा मंच भी बनाया गया था। वहीं भैरूलाल टाक के मुताबिक नगर में चल रहे लव जिहाद व कुख्यात बदमाश द्वारा स्कूल परिसर में बार बालाओं के डांस के विरोध में हिंदू जागरण मंच द्वारा ज्ञापन के माध्यम से जन जागरण किया जा रहा था, लेकिन ज्ञापन लेने के लिए प्रशासनिक अधिकारी समय पर नहीं पहुंचे, जबकि एक दिन पूर्व सूचना देने के बाद भी तहसीलदार ज्ञापन लेने नहीं आए, जिसको लेकर हिंदूवादी संगठन जागरण मंच के प्रांतीय संयोजक भैरूलाल टाक ने मंच से प्रशासन को चेतावनी दी। यदि प्रशासन ने उनकी मांग को गंभीरता से नहीं लिया तो हिंदू जागरण मंच महिला सुरक्षा एवं छात्राओं के सम्मान को लेकर स्वयं मैदान में आएगा। चेतावनी के बाद तहसीलदार सर्वेश यादव ज्ञापन लेने पहुंचे, लेकिन हिंदू जागरण मंच ने फिर ज्ञापन नहीं दिया। आंदोलन का नेतृत्व हिंदू जागरण मंच ने किया था, जिसमें भाजपा, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, युवा मोर्चा, किराना व्यवसाय संगठन, कई शिक्षण संस्थान के प्रमुख व कई संगठन पदाधिकारी मौजूद थे। टाक के अनुसार पिछले कई दिनों से लगभग एक दर्जन मामले हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने गत 2 माह में पकड़े हैं, जिसमें कईयों की शिकायत थानों में की गई है। गत 31 दिसंबर की रात को नववर्ष के जश्न मनाने के लिए शहर के कुख्यात बदमाश ने राजीव कॉलोनी क्षेत्र में एक शासकीय स्कूल परिसर में आयोजन किया, जिसमें अन्य शहर से लगभग एक दर्जन से अधिक बार बालाओं को बुलाकर डांस कराया गया था। इस दौरान लाखों रुपए बार बालाओं पर लुटाए गए थे। साथ ही तेज साउंड का उपयोग कर देर रात तक आयोजन चलता रहा था। इस आयोजन में मध्य प्रदेश के कई जिलों से बदमाश मय हथियार के शामिल हुए थे, जबकि पुलिस अधिकारियों ने बताया, मीडिया के माध्यम से यह भी बताया कि कोई भी नए वर्ष को लेकर उत्पात मचाएगा या शांति भंग करेगा तो कार्रवाई की जाएगी। छोटी मोटी कार्रवाई तो हुई, किंतु शासकीय स्कूल परिसर में बार बालों का डांस और पार्टी पर अब तक क्यों कार्रवाई नहीं हुई? लव जिहाद की घटना व बार बालाओं का डांस कराने वाले आरोपी के खिलाफ हिंदू जागरण मंच ने जन जागरण के माध्यम से विरोध जताया और ज्ञापन देने का कार्यक्रम तय किया था। इस अभियान का भाजपा, वही बजरंग दल आदि समाज प्रमुख ने समर्थन दिया था। अभियान के तहत दोपहर को रानी लक्ष्मीबाई मार्ग के दीनदयाल चौक से रैली निकाली गई, जो गुज्जर मोहल्ला चौराहा, तिलक मार्ग, थाना चौराहा, MG रोड, कन्याशाला चौराहा होते ही पुनः दीनदयाल चौक तक पहुंची। रैली में कार्यकर्ताएं हाथों में तख्तियां लेकर हिंदू समाज की बेटियों को बचाने की मांग कर रहे थे। हिंदू जागरण मंच के अभियान की सूचना प्रशासन को गुरुवार को मंच के पदाधिकारियों ने SDM कार्यालय पहुंचकर संबंधित अधिकारियों को सूचना देकर आए थे कि ज्ञापन मुख्यमंत्री व गृह मंत्री के नाम SDM के माध्यम से दिया जाएगा।
लेकिन इस सूचना के बाद भी कोई भी अधिकारी ज्ञापन देने नहीं पहुंचा, जिससे प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन बदमाशों पर कार्रवाई करने से कतरा रहा है या फिर किसी राजनीतिक दबाव के चलते कोई भी अधिकारी ज्ञापन देने समय पर नहीं पहुंचा। हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय संयोजक भेरूलाल टाक ने संबोधित करते हुए प्रशासन पर गुस्सा निकाला। टाक ने कहा कि शहर में लवजेहाद की घटनाएं बढ़ रही है। एक बदमाश बाहर से बार बालाओं को बुलाकर भारतीय संस्कृति के विरुद्ध आयोजन करवाता है, उसमें लाखों रुपए लुटाता है और शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होती है। इसमें ऐसा लगता है कि नागदा की पुलिस प्रशासन, जिले का पुलिस प्रशासन भी यही कार्रवाई नहीं करना चाहता है। तभी घटना के 13 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि शिक्षा विभाग व पुलिस को कई बार शिकायत कर दी, लेकिन दोनों एक दूसरे का विभाग बताकर, अधिकार बताकर पल्ला झाड़ रहे हैं, जबकि क्षेत्र में अवैध गतिविधियां भी बढ़ रही है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन गंभीर नहीं है। इस अभियान में मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त सुल्तान सिंह शेखावत, भाजपा के जिला मंत्री धर्मेश जायसवाल, जनभागीदारी अध्यक्ष राजेश धाकड़, भाजपा मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल, नगरपालिका उपाध्यक्ष सुभाष शर्मा, पार्षद प्रकाश जैन, गोलू यादव, गोपाल यादव, राकेश यादव, श्याम प्रजापत, अशोक मावर, सज्जन सिंह शेखावत, विहिप के मनीष व्यास, संदीप कछावा, देवेंद्र सेन, हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक गोपाल पाटीदार, सह संयोजक अंबाराम पाटीदार, जिला कार्यकारिणी के अजय जाटवा, मोनू ठक्कर, नगर संयोजक दीपक चौधरी, रमेश प्रजापत, जितेंद्र जायसवाल, राकेश पाटीदार, शैलेंद्र सोनी, पुष्पेंद्र सोलंकी, ओम प्रकाश परमार, मुकेश शर्मा, चेतन मिम्रोट, अभिभाषक कांता सरोज, सुनीता परमार आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। हमने 31 तारीख की रात्रि को जब हमारा अभ्यास वर्ग चल रहा था और एक क्षेत्र में राजीव कॉलोनी क्षेत्र शासकीय स्कूल में 31 तारीख की रात को 10 बजे से जो एक कार्यक्रम डीजे की थाप पे 500 से अधिक लोगों का भोजन और अलग अलग टेबल कुर्सियां और पूरी व्यवस्था नागदा के आसपास नागदा जावरा मंदसौर नीमच प्रतापगढ़ जिले के यह क्षेत्र जहां अवैध धंधे में लिप्त लोग गुंडे बदमाशों को यहां लाया गया और उनसे उन लड़कियों को साथ में इंदौर और बाहर की लड़कियों को लाके यहां नचवाया गया। हमने वीडियो प्रशासन को यहां से वहां तक उपलब्ध कराए, शिकायत करी उसकी। बाकी शासकीय विद्यालय परिसर में जो कृत्य किया गया और अवैधानिक जो मौज मस्ती की गई वो एक नागदा क्षेत्र के लिए बड़ी शर्म का विषय है कि नागदा में नीचे से लगा के ऊपर तक राष्ट्रीय स्तर के लोग नेता रहते हैं।